पेट्रोल डीजल की महंगाई से परेशान लोगों के लिए अब रसोई गैस, सीएनजी से लेकर फलों सब्जियों तक सब कुछ महंगा हो चुका है। इस महंगाई की वजह सप्लाई चेन में लगे ब्रेक के साथ मॉनसून भी देरी से आ रहा है, ये वजह है। लेकिन कीमतों में इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह सरकार के पेट्रोल डीजल पर लगाए जा रहे टैक्स हैं, जो हर सामान को महंगा कर रहे हैं। देश में महंगाई का कहर भीषण गर्मी की तरह जमकर बरस रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोजाना बनते नए रिकॉर्ड से परेशान आम जनता का सब्र अब जवाब देने लगा है। विपक्षी पार्टियां भी अब महंगाई पर सरकार को घेरने लगी हैं। आम आदमी तो समझ ही नहीं पा रहा है कि महंगाई में घर चलाए या वाहन। महंगाई का 70% तो तेल तेल में ही चला जाता है, बाकी खर्चे और कैसे करेंगे। 100 रुपए लीटर बताओ कितना बढ़ता, 50, 60, 70, 80, 90, 100 पहुंच गया। बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों की पढ़ाई में, फीस वीस में, सब में, सब में मतलब बढ़ा दिया रेट वगैरह सब में। अब बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। रोज रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, जिससे बहुत दिक्कत आ रही है, पेट्रोल लेने में भी दिक्कत आ रही है, काम धंधा है नहीं है। इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का अकेला रास्ता फिलहाल तो इन पर लगाया जा रहा टैक्स ही है। पुराने पेट्रोलियम मंत्री तो इनमें कमी की संभावना से ही साफ इनकार कर चुके थे। कुछ इसी तरह नए पेट्रोलियम मंत्री भी इस मुद्दे पर बोलने से परहेज कर रहे हैं। सिचुएशन इज डिफरेंट, और एक चीज मैं आपको बता दूं, माय फॉर्मल ट्रेनिंग इज इन एन एरिया जहां पे जब तक पूरी जानकारी ना हो वन शुड नॉट गिव कमेंट्स। महंगाई की ये आंच केवल पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है, अब तो कार चलाने का सस्ता विकल्प सीएनजी भी दिल्ली एनसीआर में महंगी हो गई है। साथ ही घर पर आने वाली रसोई गैस यानी पीएनजी भी महंगी हो गई है। दिल्ली में सीएनजी 90 पैसे बढ़कर 44.30 रुपए प्रति किलो हो गई है, जबकि पीएनजी 1.24 रुपए बढ़कर 29.66 रुपए प्रति एससीएम हो गई है। वैसे भी ईंधन की कीमतों में तेजी से महंगाई का बढ़ना लाजमी है। ऊपर से मॉनसून में देरी ने भी हरी सब्जियों के दाम बढ़ाने का काम किया है। बीते 2 हफ्तों में फलों सब्जियों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। 15 दिनों में टमाटर 10 रुपए बढ़कर 30 से 40 रुपए किलो हो गया है। वहीं प्याज 25 से बढ़कर 40, बैंगन 10 से बढ़कर 30, खीरा 15 से बढ़कर 40, हरी मिर्च 30 से बढ़कर 60, सेब 200 से बढ़कर 300, आम 20 से बढ़कर 40 रुपए किलो और केला 40 से बढ़कर 60 रुपए दर्जन हो गया है। इससे पहले दूध के दाम भी बढ़ गए थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से आम आदमी पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है। आरबीआई भी इस पर कई दफा चिंता जता चुका है। अब देखना यही है कि सरकार कैसे इस चुनौती से पार पाती है और कब तक आम लोगों को महंगाई से राहत मिलती है। आज तक ब्यूरो बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।